और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। लखनऊ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए अखिलेश यादव। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। केसीआर की पार्टी का नाम आज टीआरएस से बदलकर बीआरएस रखा गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर नाम भारत राष्ट्र समिति रख दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नारा भी दिया गया है। केसीआर के साथ अखिलेश यादव भी हैं। अब कार्यालय के बाहर अब की बार केसीआर सरकार के होर्डिंग लगे हैं। बीआरएस के कार्यालय के उद्घाटन में अखिलेश यादव शामिल हुए हैं। पूजन हवन करने के बाद कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में अखिलेश यादव लगे हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच केसीआर के साथ अखिलेश यादव की मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ से सीधे दिल्ली अखिलेश यादव पहुंचे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की। केसीआर की पार्टी जो टीआरएस है उसका नाम बदलकर अब बीआरएस रख दिया गया है। पहले इस पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति रखा गया था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रख दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का दौर जारी है और इसी बीच 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नारा दिया गया है। केसीआर के साथ अखिलेश यादव भी अब दिखाई दे रहे हैं। कार्यालय के बाहर अब की बार केसीआर सरकार के होर्डिंग लगाए गए हैं। बीआरएस के कार्यालय के उद्घाटन में अखिलेश यादव शामिल हुए। यहां और भी तमाम नेताओं से मुलाकात की। हवन पूजन के जरिए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अभी दो दिन पहले ही एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि सभी विरोधी दलों को एक साथ आकर सत्ताधारियों का सामना करना चाहिए। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केसीआर एफर्ट लगा रहे हैं, और भी साथियों की जरूरत है, उन्हें भी साथ आना चाहिए। और अब आज दिल्ली में जाकर केसीआर से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है और 2024 को लेकर जो संकेत लगाए जा रहे हैं उन संकेतों को पुख्ता कर दिया है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि 2024 में बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक तीसरा मोर्चा भी तैयार हो जो सत्ता में दखल देने का पूरा मादा रखे और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका अदा करे। और इसी के चलते अखिलेश यादव, केसीआर, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। और आज जो दिल्ली में मुलाकात हुई है ये इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। एक तरफ जहां तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रखा गया तो मौका और दस्तूर दोनों थे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की और 2024 की रणनीतियों को लेकर उनके साथ चर्चा भी की है। कार्यालय के बाहर अब की बार केसीआर सरकार के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बीआरएस के कार्यालय के उद्घाटन में अखिलेश यादव पहुंचे, जहां हवन पूजन के बाद कार्यालय का उद्घाटन हुआ और कई अहम मुद्दों पर मंथन भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, जो लखनऊ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की।